हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में विजुअल बेसिक में कि किस तरीके से हम डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं यूजिंग डीओ, यानी कि डेटा को डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इन विजुअल बेसिक 6.0। तो अब तक जो हमने सीखा वो अब तक हमने ADO के थ्रू देखा था, जैसा कि ADO DC के थ्रू हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी की थी। आज हम जो करने जा रहे हैं वो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कनेक्टिविटी करेंगे, जिसमें कि हम आज एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम जो है डिलीट करेंगे। तो सपोज़ करिए कि एक हमने यहाँ पर फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, देन उसमें हमने कुछ फ्रेम कंट्रोल के अंदर अपनी कुछ डिटेल्स ली हैं, देन जिसमें कि कुछ हमने लेबल्स के थ्रू फील्ड्स डिफाइन करी हैं, जैसे रोल नंबर है जिसके लिए हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, देन नेम हमारा एक लेबल है, ये रोल नंबर भी हमारा लेबल में है, देन नेम हमारा एक लेबल है जिसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, फादर नेम हमारा एक लेबल है जिसमें कि हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, कोर्स में हमने यहाँ पर क्या लिया कॉम्बो बॉक्स लिया है, देन जेंडर में हमने ऑप्शन बटन लिए हैं मेल फीमेल नाम से, देन कॉन्टैक्ट में हमने जो है टेक्स्ट बॉक्स लिया है, और सिटी में भी हमने कॉम्बो बॉक्स लिया है, देन यहाँ पर हमने कमांड बटन का यूज़ किया है डिलीट रिकॉर्ड के लिए। तो अगर मान लीजिए कि हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि डेटा को एक्सेस करके, डेटा के ऑब्जेक्ट को एक्सेस किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर उसकी यूनिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो यूनिक आइडेंटिटी अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट की, तो वह उसका रोल नंबर होती है, यानी कि हम रोल नंबर की हेल्प से स्टूडेंट का डेटा जो है उसको डिलीट करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्म तो ये टोटल है, ठीक, लेकिन हम डिलीट जब करेंगे, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे आप रिज़ल्ट ऑनलाइन देखते हैं तो आप रोल नंबर की हेल्प से रिज़ल्ट उसका पूरा इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है, पर वहाँ पर और कोई फील्ड डिस्प्ले नहीं होती उसकी, और कोई फील्ड जब डिस्प्ले होती है जब हम रोल नंबर पर उसके एंटर कराते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है, जब हम स्टूडेंट को डिलीट कराएं तो वहाँ पर केवल ये सारी फील्ड हमारी, इसमें एंट्रीज तो सबकी हों, मतलब इन्फॉर्मेशन तो हम पर फुल हो, लेकिन हमारे एट द टाइम ऑफ डिलीशन केवल हम पर रोल नंबर का ऑप्शन जो है वो हमारा विजिबल रहना चाहिए, यानी कि फॉर्म हमारा सेम ऐसा ही बनेगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन यह सब चीज़ें जो हैं ये हमारी विजिबल नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइवेट सब फॉर्म लोड। ठीक, अब आपको पता है कि हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया था, तो कॉम्बो बॉक्स में अगर हम आइटम ऐड करने होते हैं तो हम किस तरीके से करते हैं, वहाँ पर हम डॉट ऐड आइटम का यूज़ करते हैं। ठीक, अब आप देखें कॉम्बो ऐड आइटम का यूज़ हम करते हैं। अब हमने जो यहाँ पर फर्स्ट कॉम्बो बॉक्स लिया था वो हमने कोर्स के लिए लिया था, तो कोर्स हमारे पास यहाँ पर हमने कॉम्बो बॉक्स में दो आइटम्स ऐड करा दिए अपने BBA और BCA। ठीक, अब हमारे पास दूसरा कॉम्बो बटन जो है, कॉम्बो बॉक्स जो है, वह कोर्स सिटी के लिए है, तो सिटी में हमने 4 सिटी जो हैं वो आइटम्स के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर एंट्री करा दी उनकी, जैसे कि फर्स्ट हमने सिटी एंटर करा दी चंदौसी, देन नेक्स्ट सिटी हमने एंटर करा दी बहजोई, देन नेक्स्ट अलीगढ़, देन बदायूं। ठीक है, 4 सिटीज़ हमने यहाँ पर एंटर करा दी। अब हमारे पास यहाँ पर आप देखिए, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 है, ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 4 है। ठीक, इनको हमने ब्लैंक रहने दिया क्योंकि हमें यूज़र से एंट्री करानी है इसमें, तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट ब्लैंक, देन टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट ब्लैंक, देन टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट ब्लैंक, देन टेक्स्ट 4 डॉट टेक्स्ट ब्लैंक। ठीक, अब क्या है कॉम्बो बटन, क्या हमारा सेलेक्ट इवेंट पर काम करता है, यानी कॉम्बो बटन पर हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन हमारा यहाँ पर विजिबल हो जाता है, तो उसको हम सेलेक्ट पर वर्क करते हैं। देन कॉम्बो 1 डॉट टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट इवेंट पर काम करेगा, देन कॉम्बो 2 डॉट टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट इवेंट पर काम करेगा यहाँ पर। ठीक, अब क्या है यहाँ पर हमने केवल हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है, रोल नंबर 1, तो हम ये कोडिंग जो करना चाह रहे हैं वो तब करना चाह रहे हैं जब हमारी डिलीशन की ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ डिलीशन हमारे पास केवल रोल नंबर का ऑप्शन जो है वह विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या है टेक्स्ट 1 को, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 1 जो हमारा रोल नंबर है उसको हम विजिबल प्रॉपर्टी उसकी फॉल्स नहीं करेंगी, बाकी सारे हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं उनकी विजिबल प्रॉपर्टी हम फॉल्स कर देंगे, यानी कि टेक्स्ट 2 डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि जो हमारे पास नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम फॉल्स कर दे रहे हैं ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वे हमारे पास हमें आउटपुट पर डिस्प्ले ना हो। देन टेक्स्ट 3 डॉट विजिबल इज इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक, यहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास 4 लिए गए थे, यहाँ पर हम जिसमें कि 3 हम विजिबल प्रॉपर्टी जिनकी फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी भी विजिबल प्रॉपर्टी फॉल्स कर दी। ठीक,
टेक्स्ट बॉक्स वन की नहीं करी क्योंकि हमें रोल नंबर के थ्रू डिलीशन कराना है। देन लेवल टू फॉल्स, क्योंकि लेवल वन हमारा रोल नंबर है। देन लेवल थ्री विजिबल फॉल्स, देन लेवल फोर डॉट विजिबल फॉल्स करा दिया हमने। देन ऑप्शन वन विजिबल फॉल्स, ठीक, ऑप्शन टू विजिबल फॉल्स यानी कि हमारे रेडियो बटन हो गए मेल फीमेल वाले, उसको भी हमने फॉल्स करा दिया। देन लेवल फाइव विजिबल फॉल्स, कॉम्बो वन डॉट विजिबल फॉल्स, देन लेवल सिक्स विजिबल फॉल्स, यहाँ पर हमने जितनी भी अपनी फील्ड्स ली थी वो हमने यहाँ पर उनकी विजिबिलिटी फॉल्स करा दी, केवल लेवल वन और टेक्स्ट बॉक्स वन को छोड़कर, यानी कि यह ऑप्शन को छोड़कर हमारा जब हम एग्जीक्यूट अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास केवल इतना पोर्शन ही दिखेगा यानी कि रोल नंबर और डिलीट रिकॉर्ड का। ठीक, अब हमने क्या है यहाँ पर करा दी फॉल्स। अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर आगे की प्रोग्राम की कोडिंग हम किस तरीके से कर रहे हैं। देखें आप, डिम डीवी एज डेटाबेस, यानी कि डीवी हमने एक वेरिएबल लिया जो कि हमारे डेटाबेस को डिफाइन कर रहा है। देन आरएस हमने रिकॉर्ड सेट के लिए यहाँ पर लिया है और के हमने एज अ इंटीजर यहाँ पर लिया है। अब हमारा क्या है, प्राइवेट सब कमांड वन क्लिक, जब हम कमांड बटन वन पर क्लिक करेंगे तो के जो हमारा वेरिएबल है वो वैल्यू को कन्वर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर हमने देखें कन्वर्ट फंक्शन लिया है, कन्वर्जन फंक्शन, जो कि हमारी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, सेट डीबी इक्वल टू ओपन डेटाबेस, यहाँ पर हमने डीबी की हेल्प से डेटाबेस का पाथ यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि हमारा जो डेटाबेस है स्टूडेंट का वह हमारा कॉलेज नाम के फोल्डर में स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन नाम से फाइल है जिसको हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के थ्रू यहाँ पर फैच करा रहे हैं। ठीक, देन सेट आरएस रिकॉर्ड सेट के लिए हम क्या कर रहे हैं, डीबी डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, यानी कि स्टूडेंट इन्फो नाम से जो फाइल है उसके रिकॉर्ड जो है टोटल इन्फॉर्मेशन वेयर रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर हम जो भी डालना चाहें उसका वो रोल नंबर जो भी हम एंटर कराएंगे वो रोल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। देन इफ आर एस यानी कि रिकॉर्ड सेट एंड ऑफ फाइल तक चेक करेगा उसको टोटल फाइल तक। देन मैसेज बॉक्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है, अगर हमारे रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, नहीं तो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो, और अगर मिल जाता है तो आर एस डॉट डिलीट, यानी कि रिकॉर्ड सेट में से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाएगा और मैसेज बॉक्स के थ्रू हमारे पास क्या डिस्प्ले हो जाएगा कि रिकॉर्ड डिलीट, यानी कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। यहाँ पर हमारा एंड इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ स्टेटमेंट जो था ये हमारा यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है। देन फर्दर सब प्रोसीजर जो था हमारा वो यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो होता है वह डिलीट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ rs.eof, यानी कि इस फाइल की हेल्प से वो पूरे को चेक करेगा। देन रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और रिकॉर्ड मिल जाता है तो रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट, यानी कि रिकॉर्ड सेट उसको डिलीट कर देता है। इस तरीके से आपने देखा कि हमने किसी पर्टिकुलर डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को, हमने पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को यानी कि स्टूडेंट इन्फो का एक ऑब्जेक्ट उसका स्टूडेंट हुआ जिसके हमने रोल नंबर को एक्सेस करा और उसको यहाँ पर डिलीट करा दिया। ठीक, तो आज जो हमने सीखा वो हमने सीखा कि किस तरीके से हम डेटाबेस का कनेक्शन डीओ के थ्रू कनेक्ट कराकर उसको हम एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है उसको हम डिलीट करते हैं। फर्दर क्या करते हैं, हमारे पास ये फॉर्म है जो हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड का फॉर्म है, इसमें हम रोल नंबर को छोड़ के, क्योंकि रोल नंबर के थ्रू हमें यहाँ पर डिलीशन परफॉर्म कराना है, रोल नंबर के थ्रू हमें यहाँ पर डिलीशन परफॉर्म कराना है। देन नेम और बाकी चीज़ें जो हैं उसकी, यहाँ पर नेम और बाकी चीज़ें जो हैं उसकी, वह हम रोल नंबर के अलावा बाकी फील्ड हमारी विजिबल नहीं होंगी तो उसके लिए हम उनकी विजिबिलिटी के जो प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर देते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पर कॉम्बो वन में हमारा कोर्सेज है तो वहाँ पर हमने बीबीए बीसीए ले लिया। देन कॉम्बो टू में हमारी सिटीज़ हैं तो वहाँ पर हमने फोर सिटीज़ एंटर करा दी। देन यहाँ पर आप देखें टेक्स्ट वन में हमने ब्लैंक छोड़ा है, ये सारी प्रॉपर्टी टेक्स्ट वन से लेकर टेक्स्ट फोर तक, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स वन से लेकर टेक्स्ट बॉक्स फोर तक हमने सारी प्रॉपर्टीज़ ब्लैंक छोड़ी हैं। देन कॉम्बो वन डॉट टेक्स्ट पर कॉम्बो बॉक्स हमारा जो वर्क करता है वह सेलेक्ट इवेंट पर वर्क करता है, यानी कि अगर हम पर्टिकुलर जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो कोर्स में हम बीबीए को सेलेक्ट कर लेते हैं तो बीबीए सेलेक्ट हो जाता है, चंदौसी सिटी को सेलेक्ट कर लेते हैं तो चंदौसी सेलेक्ट हो जाता है, तो ये हमारा सेलेक्ट इवेंट पर वर्क करता है। देन यहाँ पर आप देखें हमने टेक्स्ट टू से विजिबिलिटी को फॉल्स करना शुरू किया है क्योंकि टेक्स्ट वन पर हमारा रोल नंबर आता है। ठीक, इसी तरीके से ये हमारा लेवल वन है तो हम लेवल विल को भी नहीं, लेवल वन की जो विजिबिलिटी होगी उसको ट्रू रहने देंगे ताकि हमें स्टूडेंट के डिलीट करने में हेल्प मिले। ठीक, हमने यहाँ पर
क्या करा है, टेक्स्ट थ्री की विजिबिलिटी को भी फॉल्स कर दिया है। देन यहाँ पर हमने टेक्स्ट फोर की विजिबिलिटी को भी फॉल्स कर दिया है। देन लेवल टू, लेवल वन को हमने बताया था रोल नंबर है हमारा, हम उसकी विजिबिलिटी को फॉल्स नहीं करेंगे। देन हमने चारों जो हमारे लेवल हैं उनको हमने विजिबिलिटी उनकी फॉल्स कर दी है। देन ऑप्शन बटन, हमारे रेडियो बटन होते हैं जो हमारे मेल फीमेल में यूज़ किए गए हैं, उनकी भी हमने विजिबिलिटी को फॉल्स कर दिया है। देन लेवल फाइल को भी, फाइल फाइव जो है उसको भी हमने विजिबिलिटी फॉल्स कर दी है। देन कॉम्बो वन, कॉम्बो टू हमारे जो थे उनको भी हम विजिबिलिटी फॉल्स कर देंगे। देन लेवल सिक्स की विजिबिलिटी भी हमने यहाँ पर फॉल्स कर दी, यानी कि जब हम डिलीट, जब हम फॉर्म को रन कराएंगे तो हमारे पास केवल रोल नंबर का लेवल और रोल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स विजिबल हो रहा होगा, और हमारे पास कमांड बटन जो होगा डिलीट रिकॉर्ड का, वह हमारे पास विजिबल हो रहा होगा। तो जब उसके बाद हमने इतनी कोडिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, कमांड बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी कोड विंडो ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पर हम इस तरीके से कोडिंग करेंगे कि हम डीबी को एज डेटाबेस ले लेंगे वहाँ पे, और आरएस को एज रिकॉर्ड सेट वहाँ पर इनिशलाइज करा देंगे, और के को एज अ इंटीजर। अब के में क्या है, हम कन्वर्जन फंक्शन लगा देंगे सी इंट नाम से, जो कि हम पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में डिस्कस कर चुके हैं बिल्ट इन फंक्शन में। तो टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट, यानी कि वह हमारा जो है वह नंबर को इंटीजर फॉर्म में लेगा। यहाँ पर हमने क्या करा, सेट डीबी यानी कि डेटाबेस का पाथ जो है वो हमने सेट किया है यहाँ पर। वहाँ पर आप देखें कॉलेज नाम के फोल्डर में हमारा स्टूडेंट इन्फो नाम से फाइल होगी, ठीक है। देन आरएस रिकॉर्ड सेट में हमने क्या करा है कि डीबी डॉट ओपन, यानी कि वह इस रिकॉर्ड को ओपन करे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड सेलेक्ट स्टार के थ्रू टोटल रिकॉर्ड इन्फो वेयर रोल नंबर जो है वह यूज़र के द्वारा जो स्ट्रिंग में एंटर करा गया है। इफ़ रिकॉर्ड सेट डॉट ई ऑफ एफ, यानी कि एंड ऑफ फाइल तक वह इसको चेक करेगा, रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो वहाँ पे आएगा रिकॉर्ड नॉट फाउंड। एल्स में क्या होगा, रिकॉर्ड सेट डॉट डिलीट, यानी कि वह पर्टिकुलर एंट्री डिलीट हो जाएगी और वहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा रिकॉर्ड डिलीट। तो इस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कराया। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।